आइए हम लोग आज क्यूब रूट के ऊपर काफी डिटेल चीजें सीखेंगे। क्यूब रूट को कुछ इस तरीके से आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आप जब कभी भी क्यूब रूट का कितना ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आ जाए, बड़े सी बड़ी संख्या जिसका आपका क्यूब रूट निकालना है यानी कि घनमूल निकालना है, आप उसको विद इन 2 से 5 सेकेंड में कर देंगे, चाहे संख्या छोटी है या बड़ी है। अब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत की है, राइट, छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे हम बड़े संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके छोटे संख्याओं से सीखते हैं। मेरा ये मानना है कि 10 तक का घनमूल यानी कि क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 10 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इस बात को जानते हैं कि 3 को जब हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है, 3 का जब हम घन निकालते हैं तो हमारे पास 27 आता है, तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 216 किसका हमारे पास घनमूल, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 6 को 3 बार गुना करेंगे 216 आ जाएगा। उसी प्रकार से 343 कहाँ से हमें देगा, ये 7 से देगा। देखो पहले जो 10 क्यूब हैं यानी कि घन हैं, ये तुम्हें मुझबानी याद होने चाहिए, तभी मैं तुम्हें आज अभी 100 तक के घनमूल निकालना सिखा दूंगा। लेकिन हाँ, पहले 10 तक तो याद करना पड़ेगा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बहुत बेसिक है ना, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन तो यार किसी बच्चे को भी आता है कि नहीं, 1 का भी आता है, 2 का कितना हो जाता है, 3 बार गुना किया 8 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ 64 हो गया, यहाँ 125 हो गया, यहाँ कितना आ गया भाइयों, 216, और ये कितना हो जाता है, 343। 8 का कितना होता है भाई, 512। 9 का कितना होता है, 9 का 729, और 10 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बात तो आप जानते हैं। एक और बात जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है यानी ध्यान रखने वाली है, देखो जब कभी भी 1 का, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का हम घन करते हैं यानी कि क्यूब करते हैं, तो हमारे पास लास्ट डिजिट सेम आती है, 1 में 1 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है और 9 में 9 है, ठीक है। बाकी जो 2 संख्या हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हैं, ध्यान से देखो, 2 क्यूब में लास्ट डिजिट 8 है, 8 क्यूब में लास्ट डिजिट 2 है, ठीक उसी तरीके से, राइट, ठीक उसी तरीके से आप अगर 3 और 7 को देखेंगे, आप अगर 3 और 7 को देखेंगे तो 3 के क्यूब में आपके पास आखिरी संख्या यानी कि यूनिट डिजिट 7 है और 7 क्यूब में लास्ट डिजिट क्या है, आपके पास 3 है, ठीक है। ये कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पे तुम अभी बहुत बड़े से बड़े संख्याओं का क्यूब रूट निकालने में आसानी से सक्षम रहोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 से 5 सेकेंड में बड़ी से बड़ी संख्या का, अगर वो एग्जैक्ट क्यूब है तो, दशमलव में नहीं, अगर वो एग्जैक्ट क्यूब है तभी मैंने कहा एग्जैक्ट क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है, और एग्जैक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन ही हमारे पास एग्जाम में आते हैं, मैं तो आपको हमेशा एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है, बट पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। 512 अब तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान होना चाहिए, 512, राइट, 512 हमने अभी अभी देखा था, किसको क्यूब करने पे आता है भैया, 8 को क्यूब करने पे आता है, 729 किस पे आता है, 9 पे आता है, अरे ये क्या है, ये तो आगे बढ़ गया, ये तो 1000 से भी आगे चला गया। अगर कोई संख्या 1000 से आगे बढ़ गई तो तुम्हें इतनी बात तो समझ में आती है कि वो जो है वो 10 के ऊपर का क्यूब है, वो 10 के ऊपर का क्यूब है। तो ऐसे में क्या करोगे, कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेना, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लेना, ठीक है, और बाकी जो बच जाए उसको अलग रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 8, अभी हमने क्या देखा था, किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 8 आता है, 2 के क्यूब में लास्ट डिजिट आता है, तो इसकी जो हमेशा 2 डिजिट है, ठीक है, हम मैंने 100 तक की बात की है अभी आपके साथ, ठीक है, 100 तक का घनमूल यानी कि क्यूब रूट हम अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है, 8 है तो 8 में मेरे पास क्यूब रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ लास्ट डिजिट मेरे पास 2 होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, जब 1 है तो 1 का क्यूब रूट अगर मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 होगा, यानी ये किसका आंसर है, मेरे पास 12 का घनमूल है, राइट, या कह सकते हो 12 का घन कितना हो जाएगा, 1728, तो 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। आओ इस बात को अभी थोड़ा तुम्हें कम समझ में आया होगा, इस पर और एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
देखिए फिर से इन चीज बात को हम फिर से एक बार दोहराएंगे। क्या कहा था मैंने, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी तीन संख्या को अलग कर लीजिए, आखिरी तीन संख्या को अलग कर लीजिए, ठीक है। अब हमेशा दो डिजिट वाले ही हम अभी क्यूब रूट सीख रहे हैं, और दो डिजिट वाले ही 99% क्वेश्चंस तुम्हें यहीं से मिलेंगे। एक बार को तुम 99.9% भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्स है यूनिट डिजिट, क्या होगा बच्चों? सिक्स। वन है यूनिट डिजिट, क्या होगा? वन। नाइन है यूनिट डिजिट, क्या होगा? नाइन। हमने इस बात को सीखा है, समझा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है? दो है। दो किसका, किसके क्यूब से पहले आएगा? देखो, सोच सोच के देखो, आराम से रिलैक्स करके सोचो। राइट, मैं अगर वन का क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलता है वन, टू का क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलता है एट, यानी टू के क्यूब से छोटा है, यानी आंसर कितना आएगा मेरे पास? 16। जो भी क्यूब है ना, अगर एग्जैक्ट क्यूब है तब तो वो आ गया, और अगर एग्जैक्ट क्यूब नहीं है तो उससे छोटा वाला, जैसे 9 है, 9 में भी कितना हो जाएगा बताओ? आई एम सॉरी, 9 में भी कितना हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारे पास 2 का 8 हो जाता है ना, 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, और 3 का 27 होता है, तो 27 से छोटा हमें लेना है और 2 से बड़ा लेना है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? 21 बोलेंगे, ठीक है। 21 का क्यूब कितना आएगा मेरे पास? 9261, ठीक। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6 हम कैसे देखेंगे? भैया मेरे पास 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 8 से छोटा चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 का अगर मैं घन करूंगा, क्यूब करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 6859, 6859, ठीक है। आओ एक बार फिर से, राइट, इस बार थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं ताकि इस बात को बेहतर तरीके से हम अपने माइंड में अच्छे से बिठा सकें। आइए देखते हैं, ये क्या बोला मैंने? तीन डिजिट अलग कर लो, 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 इकट्ठे 6 के 6 क्वेश्चन खत्म, फिनिश, राइट। 8 किस में था भाइयों? 2 में था, 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट्री थे, 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो 8 में मेरे पास क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखूंगा 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखूंगा? 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखूंगा? 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखूंगा? यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखूंगा? 6 है तो 6, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास है 8। मेरी बातें मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 2। तो यूनिट डिजिट तो बात बन जाती है फटाफट से, देखते के साथ ही बात बनती है ना? 2 का 8, 3 का 7, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब के सब सेम है, ओके। अब बात आती है क्या कि भैया इकाई संख्या पे क्या आएगा, सॉरी टेंथ प्लेस पे क्या आएगा, दहाई स्थान पे क्या होगा, ये देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब ये कितना है तुम मुझे बताओ? 5 का जो हमारे पास क्यूब है वो है 125, 6 का जो क्यूब है वो है 216, उससे भी आगे चल रहा है। उसके बाद क्या है? 343। अरे भाई 343 है ना, 7, राइट, 7। और उसके बाद हमारे पास 8 आएगा, वो तो 512 पे भाग जाएगा, यानी ये 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, ठीक है। आराम से समझना, तभी मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मुझे मालूम है जो लोग अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनको इस बात को समझने में 2-4 एग्जांपल्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखिए भाई, माइक सब लोग अपना ऑफ रखेंगे, है ना, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये वीडियो आगे भी अवेलेबल रहे यूट्यूब पे, मैं आपके चैनल प्रेप मास्टर्स पे इसको डाल दूंगा। देखिए अब 175 है, 175 किसके बीच में बताओ? 125 से बड़ा है, 216 छोटा है, तो क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। 35 है, अरे भाई 35 है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, तो 3 हो जाएगा, 33 का ये हमारे पास क्यूब होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 884, अरे ये संख्या तो बड़ी होगी, तो क्या हो गया? बड़ी हो गई, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ हम किस पे चल रहे थे? 9 के पे, कितना हो जाएगा भाई? 729, यानी ये कितना है? ये हमारे पास 96 का है। ध्यान से देखो, बड़े मजे, बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है, राइट। 681 कहाँ पे आ रहा है? 681 कहाँ पे आ रहा है? 512 और इसके बीच में आ रहा है। 512 से क्या समझते हो? 8 समझते हो, यानी ये क्या है? 88 का घन है, 88 का क्यूब है, 140, 140, 125 से लेना देना है कि नहीं बताओ? 5 और 6 के बीच में, आंसर क्या बोलोगे? 52। तो क्यूब निकालने में आपको इस आधार पे शायद अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आओ आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हमारे पास हैं, राइट, हमारे पास कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं इसके लिए तुम्हें 6 क्वेश्चन है, तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ, मुझे आंसर बताओ इसका। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, 6 मिनट का समय है, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए, आप लोगों ने इसको ट्राई किया, बहुत बढ़िया रहा, ज़्यादातर लोगों का अभी तक जो मैक्सिमम जो सही गया वो निर्धारित समय में आप 3 सही कर पाए,
जो ठीक है शुरुआती दौर में ठीक है, लेकिन आपको ये कम से कम 5 तक लेके जाना है। अगर 6 सवाल है तो कम से कम 5 तक लेके जाना है, बल्कि 6 में 6 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और समय सीमा में होना चाहिए, राइट, जो समय निर्धारित है उसमें होना चाहिए। चलो देखो कैसे करेंगे, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सब्सट्रैक्शन का तरीका सिखाया था, एडिशन सब्सट्रैक्शन का तरीका सिखाया था। जो लोग नहीं थे कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे इस बात को, राइट। संख्या क्या है, देखो कैसे मैंने बताया था, क्या बताया था उस बात को बिल्कुल दोहराता हूँ, है ना। ये सब क्या बताया था मैंने कि मेंटल क्वेश्चन होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। 26889, ठीक है। मैंने क्या बोला था, संख्या को बढ़िया बनाने का प्रयास करो, मे ट्राई एंड मेक इट गुड नंबर्स। कैसे भाई, अगर मैं इसमें 111 जोड़ दूं तो क्या ये 27,000 नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे, हो जाएगा कि नहीं। तो क्या 111 ऐसे जोड़ दे, नहीं बिल्कुल नहीं भैया, जो उधर जोड़ा वो इधर भी जोड़ दो, राइट। ये काम कैसे बताया था मैंने, ये काम मौखिक होना चाहिए। अब बताओ कितना लल्लू क्वेश्चन रह गया, 35 में से अगर तुम 27 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 725 का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये 725 हो गया। घटाने का तरीका तुम समझ पा रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी इसी पे एम्फेसाइज किया था, ठीक है, इसी पॉइंट पे बार बार कि कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है, नंबर्स को खूबसूरती से देखना है। अब ये वाला काम ये लिखने का नहीं था, ये मेंटल होने वाला काम था कि अच्छा 111 यहाँ पे 111 जोड़ने में तकलीफ होगी क्या, 25,725, राइट, और 25 में से 27 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8,000, और 725 आ गया, समझे कि नहीं। अब अगली बात क्या आती है कि भैया 25 से डिवाइड करना है, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया, कभी भी 25 से डिवाइड जब भी करना हो 4 से गुना करो। मैंने बोला था शुरू में तुम्हें तकलीफ हो सकती है 4 से गुना करने में, राइट। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली डिविजिबल है सर, क्यों नहीं डिवाइड कर ले, नहीं, तुम्हें लर्न रीलर्न का प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। हमारे पास जब कभी भी 25 से डिवाइड करना आएगा, हमने अपना पुराना मेथड डंप कर दिया, हमें उससे यूज नहीं करना है, हम तो भाई 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने में मुझे तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, मैं 2 से गुना कर लूंगा, क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। 725 का दो गुना कितना हो जाएगा, 1450, और 1600 का 8000 का दुगना कितना हो जाएगा, 16,000, राइट, 16,000 हो रहा है, और इसका कितना आ रहा है मेरे पास, 1450 आ रहा है। तो भैया जब मैं इधर 1450 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, तुम बताओ मुझे, ये आ जाएगा 17,450, राइट। फिर से दो गुना कर दो ना यार, क्या दिक्कत है, 17 × 2 = 34, और 450 का दुगना 900, यानी 34,900, और नीचे क्या आएगा, ये बात तो आप बचपन से जानते हैं, क्या आंसर आएगा भाई, 349। तरीका इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं, तुम आंसर तक कैसे पहुंच रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इस सब्सट्रैक्शन को विद इन 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स किया है, अगर तुमने इस मेथड को मेंटली अपना लिया, प्रैक्टिस कर ले, देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत तो है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और तुम्हारे दिमाग में फीड हो गया, ठीक है, फीड हो भी गया तो उसको प्रैक्टिस करो, कम से कम उस पर 10 सवाल 20 सवाल 30 सवाल 50 सवाल करो ना, उस पर निकाल निकाल के करो ना क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल। बार बार कहता हूँ एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ खास बात होती है, उसके नंबर्स में कुछ खास बात होती है, उन नंबर्स पे तुम्हें ध्यान देना है, उसमें हमेशा ट्रिक टेक्निक लगती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बेसिक बात को आप समझ पा रहे होंगे, और इसका आंसर इस तरह से कैसे निकलता है भाई, 349। जब कोई भी 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, जब कोई भी 25 से डिवाइड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रही है 2 से करो, फिर 2 से कर दो, वो मेंटल हो सकता है, ओरल हो सकता है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और देख रहे हैं कि अब आखिर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। क्या क्वेश्चन है, 254 × what × 8 = ये, अरे ये तो बड़ा अजीब सा है, बहुत ही अजीब सा सवाल लग रहा है, कैसे किया जाए इसको। अच्छा एक बात तो समझ में आती है कि जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, इतनी बात तो हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। तो आखिर क्या किया जाए, मैं हमेशा कहता हूँ नंबर्स को जितना हो सके सिंप्लीफाई करके देखो, राइट। जैसे ये जो 254 देखो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास 254 है, गुने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, और गुने 8 है, 8 को मैं पता है कैसे देख रहा हूँ, 8 को मैं 4 × 2 देख रहा हूँ। ये तुम्हें भी समझ में आता है कि ये काम ओरली आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 8 को 4 × 2 लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और इस संख्या को मैं इससे गुना करना चाहता हूँ, राइट। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं, तो मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कैसे करें भैया, 250 × 4 = 1000, और 4 × 4 = 16, यानी कि 1016 क्वेश्चन मार्क
गुने दो बराबर जो भी था, क्या था भैया 9504। अच्छा इससे कोई फायदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्वेश्चन मार्क गुने दो। अब देखो 254 से डिवाइड करने में मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन 1016 से डिवाइड करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। फटाफट से आंसर निकल के आता यार, फटाफट से आंसर निकल के आता है, राइट। 1016 है, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा कितना हो जाएगा बताना जरा, 9144 होगा कि नहीं भाई, हजार का 9 हो गया 9000, और 16 नमे 144, 9144, 955 में से जब तुम इसको घटाओगे 955 और आगे 0 तो क्या आएगा बताओ? यहाँ तुम्हारे पास 6 आ गया, आया नहीं आया बताओ? यहाँ 6 आया, ठीक है, इसमें से घटाया तुमने, यहाँ इसमें से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बताओ? यहाँ तुम्हारे पास 5 में से गया तो 4, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 406 आ गया, 406 आ गया, और आखिरी संख्या क्या बची? 4, यानी कि 406 4 भी है, बताओ क्या पूरा पूरा तुम्हारा 4 गुना नहीं हो गया? कितना आ गया? 94 आ गया। इट इज एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी व्हाट, 94। समझ में आ रही है बातें तुम्हें, ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारा 94 से चला गया। अब बताओ 94 को अगर तुम 2 से विभाजित करोगे तो क्या तुम्हारा आंसर नहीं आ गया बेटा? व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 47, ठीक है। इतने आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, बस सही तरीके पे सही टाइम पे सही चीज सोचने की जरूरत है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, समय कम है, प्रयास करूंगा ज्यादातर सवाल कम से कम मैक्सिमम सवाल, कोई स्पेशल क्वेश्चन तुम चाहते हो डिस्कस करना उसको क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको पहले डिस्कस कर लूंगा। तीसरे सवाल पे आते हैं, बढ़िया है, 125 का वर्ग है स्क्वायर ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50 को मैं कहाँ लिखना चाहता हूँ? नीचे लिखना चाहता हूँ। इंटू 20 है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 20 है, और ये होल डिवाइड बाई 25 है, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाई 25 है, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जीरो को उड़ा दिया जाए, फिर क्या किया जाए, फिर ये 25 गुने 5 125 होता है, अरे बहुत ही बढ़िया, ये तो यार काम ही आसान हो गया। आंसर कितना है, 125 गुने 2 250, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन निकला ये तो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कितना आंसर है? 250, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा मैं। अब देखो क्या बताया था, तीन भाग में तीन नंबर ले लेना लास्ट से, राइट, क्या है 7 है, 7 है मतलब क्या है 3 है, बताया था क्या 7 से, कैसे बताया था 3 से बताया था। अब 250 है, कैसे आएगा भाई 125, राइट, 125 5 का, उसके बाद क्या था 216 किसका 6 का 216, ठीक है, और उससे आगे जाओगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, यानी ये कितना है, ये हमारे पास 63 का घनमूल है, ये क्या है भाई 63 का घनमूल है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब 63 तो समझ में आया सर, बहुत अच्छी बात है, 56 का स्क्वायर है तो क्या 56 का स्क्वायर निकालना आता है? हाँ, जिन लोगों ने स्क्वायर अच्छे से किया है उनको तो निकालना आता है, इस दोनों को 7 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा पहले और स्क्वायर करूंगा बाद में, क्यों? क्योंकि दोनों 7 से विभाजित हो रहा है, ज्यादा आसान है, छोटे नंबर्स मिलेंगे, राइट। कितना आ गया बताओ? ये तो आ गया 9, और 56 गुने 56, देखो ये सब ओरल करने वाली बातें हैं, मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना दिमाग खोल के तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, और जब भी 8 से गुना करना है वो बिल्कुल ओरल काम होना चाहिए, अगर आपको तकलीफ होती है आप इसको ऐसे देखिए, राइट, 50 गुने 8 400, हाँ या ना, और 6 गुने 8 ये कितना हो गया 48, यानी कितना हो गया 448, 448 में तुम अगर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 448 में आप अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 457 है, 457, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या मार्क करोगे? नन ऑफ दीज मार्क करोगे, ध्यान रखना, इस तरह के ऑप्शंस जब हमारे पास आते हैं तो नन ऑफ दीज मार्क करते हुए थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, हमें लगता है यार नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन तुम इन बातों को थोड़ा ध्यान से जब देखोगे तुम्हें महसूस होगा अरे नहीं यार ठीक है हमने कैलकुलेशन सही किया है। अगर हमने प्रैक्टिस किया तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि नन ऑफ दीज ही होगा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस हमारे पास आता है जब हम खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर ही नहीं सकते बिकॉज हमने इतनी प्रैक्टिस की है, हमने इतने टेक्निक सीखे हैं, इतने ट्रिक सीखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नन ऑफ दीज आप आंसर मार्क करेंगे, और आंसर इसका कितना होना चाहिए था 457 होना चाहिए था, जो हमारे पास विकल्प में नहीं है तो हम इसको मार्क करेंगे। आइए पांचवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे इसको लिमिटेड टाइम में। 24 का स्क्वायर क्या हम लोगों को आता है? बड़ा आसान है भैया, कितना होता है देखो, मैंने तुमसे कहा था पहली क्लास में कहा था पहाड़े 30 तक, स्क्वायर कम से कम 20 तक,
है ना, हालांकि 30 तक कर लो तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ तो 24 से आगे है। और घन मैंने कहा था कितना, घन मैंने कहा था तुम्हें कि 10 तक कम से कम ध्यान रखना है, ठीक है। ये कितना होता है, 24 का 576 होता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात होगी, और अगर नहीं आता है तो आना तो पड़ेगा यार, राइट। देख लो भाई, अगर किसी को भी कोई थोड़ी भी तकलीफ होती है तो ऐसे ब्रेक करके देख लो ना यार। ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर तुम्हारे पास ये हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया, इतना हो गया, और टू ए बी बताओ कितना हो गया, टू ए बी हमारे पास हो गया टू, यानी कि चार, और ये कितना हो गया, चार गुने चार 160, है कि नहीं, है ना। तो 176 इसमें जोड़ोगे तो बताओ क्या 576 नहीं हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 729 होता है क्या, 729 होता है क्या, सोच के देखो नहीं समझ में आ रहा, अच्छा इसको देखो, इसको ऐसे समझते हैं 30 माइनस 3 के तरीके से एक क्लास में स्क्वायर पे भी ले लूँगा, ठीक है, स्क्वायर पे भी ले लूँगा। तो अब हो सकता है टाइम अभी खत्म हो जाए, तो परेशान मत होना, ये मैं PDF अभी क्लास के लिए आपके ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो क्वेश्चन आपके डाउट में होंगे, कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसमें, है ना, बिकॉज मैं देख रहा हूँ टाइमर चल रहा है बहुत तेज़ी से, तो कुछ और क्वेश्चन भी हैं, ये RRB 2017 SO में आया था, ठीक है, सब एक्चुअल क्वेश्चन ही हैं विद आंसर्स, तो आप इनको ट्राई करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, परसों, ठीक है, हर अल्टरनेट डे पे क्लास चल रही है। तो आइए देखिए, कोशिश करते हैं इसको हम देख सकें। तो हाँ, 27 का कैसे देख रहे थे भाई, 30 का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, है ना, और माइनस टू ए भी होता है, माइनस टू ए भी कितना हो जाएगा बताओ, 900, ये हो गया 90, और 180 घटा दो है तो